अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसे हाल हैं आप सब लोगों की? अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे पहले बताएं, ये मेरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम शाम अच्छे से करवा रही हूँ, इनसे खुद नहीं कर रही। तो आज हमारे घर में आए हुए हैं बहुत खास मेहमान, मेरी बड़ी फुफ्फो आई हुई हैं और हमारे लिए बड़ा गिफ्ट लेके आई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे इतना बड़ा गिफ्ट मोबाइल में नहीं आ रहा, ये उठा भी नहीं सकते। हाँ भले उठाओ, चलो उठाओ, वो जो सामने आपको नजर आ रहा है ना, उठाए उठाया जाता आपसे। क्यों नहीं? इधर मैं उठाता हूँ, मुझसे तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा उठाया गया। हाँ। ये है जी, हम इसको कुछ टाइम तक ओपन करेंगे क्योंकि वो अभी गए हुए हैं बाहर घूमने, गए हैं मेरी बाइक पे। आपकी बाइक पे गए? तो वो आते हैं, इसको मैंने नहीं देखा, यहाँ से किसी ने खोला है, किसी बेसब्रे बंदे ने इसको खोल कर रख दिया, आधा खोला है, इधर से बांध है, इधर से खोला है और फिर देख के फिर चुप कर गया। बहुत प्यारा, और बांध के वो पता नहीं वो भी कहीं से फेंक दिया है। तो इसको बाद में आपको दिखाएंगे कि ये क्या है इसमें और किस खुशी में आया है। छोड़ के भी वही लेके आए फूफो लोग, उन्होंने अपने घर लेके जाना। ये साफ कर रही है बच्ची, इसका चेहरा मैं दिखाना नहीं चाहता। हाँ हस्ती बैठी है कमली जी। बस एदी बहन है जिहड़ी आए खली ना, एदी बहन है वड्डी, इतना मैं दस देना। ईमान फातिमा। अच्छा तो ये साग है, इसने भी अब साफ करना है, इसमें क्या पड़ा है? इसमें भी धनिया, बाथू, पालक, सब कुछ जो साग के साग होते हैं मटेरियल डाली जाती है वो पड़े हैं। साग क्योंकि गांव का साग तो हाय हाय मजे का ही बनता है, शहर में तो ये सब चीजें मिलती नहीं है। ये तो मिलती है लेकिन गांव जैसी नहीं मिलती। मिलने को क्या है, मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाता है। बादल हैं, 25 डेट को बारिश बताई गई है, हमारे इलाके में भी 25 डेट को इम्कान है। मुझे अभी डर लग रहा है कि बारिश हो जाएगी तो क्या होगा। मतलब 25 से 30 तारीख तक बाकी पता नहीं अल्लाह के काम है। आज है 21 तारीख और अभी से बादल आना शुरू हो गए। अभी से बादल ये 25 वाले नहीं हो सकते, ये कोई और बादल है। और आज इस तरह से लग रहा है जैसे फुल वो सर्दी हो ना, पहले ऐसे नहीं लगता था। यहाँ पे हमने चार पाइयां भी मेहमानों की, इधर मेहमानों को हमने दी थी चाय और साथ थे लड्डू, तो इधर मैं इधर बैठा था, मेहमान इधर बैठे थे, तो हमने इधर बैठ के आराम सुकून से इधर से सीधे धूप खाई थी। इन सब ने लड्डू खाए बैठ के और मैंने वहाँ बैठ के काम किया। टोकरे के नीचे डक्का पड़ा है हमारा सालन, मैं पकड़ता हूँ टोकरा, आप दिखाएं सालन। किस चीज का सालन है आप बताइएगा कमेंट में, उससे पहले कि मैं बता दूं। अब मैं बता देता हूं, गोभी और चिकन का है। पहले फुफ्फो आई है, वो उसने थोड़ा सा चेक किया। अच्छा, वहाँ पे प्लेट पड़ी थी तो कहती है चिकन डाला, मैंने कहा कहती इतना मजे का बना हुआ, मैंने कहा रोटियां आई नहीं क्योंकि रोटियां भी लगवाने के लिए। हमारे जो छोटे फुफ्फो है ना वो अपने कपड़े सिलाई कर रही है, उधर से उठ के मतलब इधर ही होती है। कुछ बहन भाई पूछते हैं कि वो किधर होती है, लेकिन वो इधर ही होती है। हम रोटी आ गई हमारी, तो पहले सालन पड़ा था, रोटी लगवाने गया हुआ था एक बंदा होटल से, मतलब मेहमान मामू, तो ये है सलाद। सलाद नहीं था हमारे पास, खीर के अलावा वाला सलाद। हाँ जी, सालन की तरह डाल दिया, सालन अभी डालना मैंने डाले। ये मूली प्याज का सलाद, वो प्याज टमाटर मूली और धनिया वगैरह उनका सलाद। सालन डाल लिया गया है जी, बराबर रखा है। हाँ जी बराबर रखा है, बोटिंग वाला सीन। कुछ ऐसे बड़ा किया जाता लेकिन हमारे हाथ नहीं चलता। क्या कुछ लोग ना गिन गिन के डालते हैं कि हर किसी के साथ बराबर जाए, हर किसी के पास गिन गिन के डालती हूं। करना पड़ता है कभी कभार ऐसा, बराबर रखना, या मेहमान से ज्यादा हूँ और पीछे से सामान काम पड़ो। ये आ गया गिफ्ट, इसको पकड़ना, क्या लिख रहा है खुद ही देख लेना। ये देखें, मिस बापी आई लव यू फ्रॉम सना,
आगे समय आपका लिखा हुआ है। हाँ जी, आगे लिखा हुआ है। समय क्या लिखा है बताएं। खुद पढ़ ले, मैं पढ़ लेती। मैं अल्लाह, यू आगे लिखा हुआ फिजान, लॉन्ग लाइफ लिखा और फ्रॉम समिया स्टे ब्लेस्ड। समिया, ये समिया के ऊपर क्या लिखा है? फ्रॉम समिया लिखा हुआ है। गलत लिखती हैं आप। फ्रॉम समिया लिखा हुआ है। आपने क्या लिखा है? ये वाला फ्रॉम समिया लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ है समिया के ऊपर। समिया तो नीचे है ना इसके। अच्छा फ्रॉम, अच्छा अच्छा अच्छा, आप इस तरह। हाँ जी, समिया इस तरह से लिखती है। ठीक, नहीं नहीं, फ्रॉम मतलब मैं, मुझे समझ आ गया, वो स्पेलिंग गलत है थोड़ी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी ना। है गिफ्ट आपको, उन्होंने अभी दिया तो नहीं, नहीं। चाय वो दिए खोल 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 ले ले, मैंने लेना है, आपने लेना। नाम पर आपका लिखा है। हाँ हाँ, अच्छा नाम मेरा लिखा हुआ। मैंने समझा शायद आपका नाम। थैंक यू भी करते बंदा खराब कर रहा है। नहीं नहीं, फूफो मुझे दे मुबारक, फिर मैं मुबारक। बहुत खुशी हुई है। मुबारक, खैर मुबारक, जजाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत ज्यादा खुशियाँ दे। आपने इतने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लिया और अब हम इसको करते हैं ओपन। और ये कार बनने की खुशी में, ये लेके खुशी में नहीं है, ये गेट बनने की खुशी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो वाला जो नजर आ रहा खुशी में, तो फुफ्फो ने और लेके नहीं, हूँ बस कारो दी तो नहीं, और तो पैसे लगा वो खुशी से। अच्छा 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 अच्छा, दोबारा बना ला क्या बाकी जजला। गिफ्ट जो होता है, गिफ्ट खुशी से अगर लिया जाता है तो जल्दी से ले लेना चाहिए। अब इसको खोलें आप, करें और पहले इधर स्टेप करते हैं। इसमें मेरी बहुत सारी प्यारी 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 बहनें स्वीट हैं, जिनका प्यार छुपा हुआ है और उन्होंने ये समय, ये किसने लिया, किसने मुझे ये लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक, लिखा हुआ आपका नाम है ना, सना का नाम है। आप ऐसे करें, सबने मिल के वो पैक भी समिया आपने और सना ने दुकान से वो लिखा, समिया ने सना ने खुद होगा। जबरदस्त माशाल्लाह। एक मारी पिक भी बना ले ऐसे ही सब की यादगार लम्हे। हाँ जी, ये है गिफ्ट जो इन्होंने पहले से पसंद किया हुआ था पुप्पो और मिसबा ने, और ये लेके फिर आप बने। कहा कि पसंद कर लें, कौन बहुत प्यारे फूल है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नसीब करे, मेरे नहीं आपके नहीं, मेरी हुई तो आपकी हुई, एक ही बात है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, इकट्ठी है। अब अगर कोई आपको कहे कि ये सजाद आपकी है तो एक ही बात हुई ना। चलो ठीक है, अच्छा चलो, जब फिर लेके आएगी ना तो फिर सजाद के लिए गिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, गिफ्ट हो गया बस, ठीक है। दिल में जलन हो रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं जहाँ पे मिस वाली होता है आपका नाम नहीं। नहीं मुझे नहीं है भाई, अजीब तमाशा बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं, रही 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 रही, ऐसे बात नहीं है। एक जगह लिखा डाले थी गलती है, बस ठीक है। हमारी आंटी ने जो गिफ्ट भेजे थे उस पे लिखा हुआ था सजाद। मिस्बा सजाद के मुंह की तरफ देखो, इसके कैमरे कवरे कैमरे दिखाती हूँ। मैं तो पहले तो देखे हो यार, मैंने पहले से देखा हुआ था आपका नाम लिखा हुआ। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन इसके ये एक सूट है जो आया था हमारे लिए, गिफ्ट आया था मिस्बा के लिए। कहाँ से आया था? यूके से। एक हमारी आंटी है बहुत प्यारी, उन्होंने भेजा था। तो ये मैं दे रही हूँ सिलाई करवाने के लिए। ये लेके जाएगी हमारी सिस्टर समिया, ये अपनी बड़ी बहन को देगी तो वो सिलाई करके देगी। और क्या है बैग में? और मैं इसकी वो देख रही हूँ, शलवार ढूंढ रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कमीज है, शायद हमने पहले दिखाया था एक वीडियो में, दिखाया था। हाँ जी, और जितने भी बैग आए थे उनमें से सबसे जो अच्छा सूट था वो ये वाला था, और ये मिसबा के लिए था। बैग में डाल लिया समिया ने, हमें शॉपर नहीं मिला, इनको है जल्दी, इन्होंने जाना है, ठंड बांध रही है ना, शाम हो रही है। हो गया पैक। ओहो, वाह जी वाह, मूली भी बेच पा, गुंगलू भी बेच पा। देखिए नीचे से बाहर अंदर, बाहर अंदर टाइम ऐसे भाग
नीचे से आई अल्लाह जी, मैंने कहा पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बकरियां और नीचे से कैसे आ जाती हैं। तो मेहमान जा रहे हैं, समिया जा रही है, अल्लाह हाफिज। हाँ जी अल्लाह हाफिज, बाय बाय, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाद में करना भी अंदर आ जाए। दरवाजा बंद। अभी जाना है, अभी 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 चाची खड़ी है, फूफू खड़ी है, फले में बंदा तो लाग सकता है वैसे। आंधी है चाची, अगली खुशी तरह फले हो लाग वही सा। अच्छा अभी हो गई है शाम, इस तरह से क्यों मतलब प्लस्तर है? अच्छा अच्छा, अभी बाकी पड़ा है ना, तो ये हमारा काम अधूरा पड़ा है। हमारा जो मिस्त्री साहब है ना, वो गया हुआ है आटा लेने, क्योंकि उसके आटा ले आना तो था, उसके बच्चों ने ना रोटी खानी थी। शाम हो रही थी, बादल अभी ये रेड रेड मैरून मैरून आ गए। मुझे अभी भी लग रहा है कि पानी वाला नहीं, ये इधर से ना थोड़ा सीमेंट पड़ा है, उस जगह से हमने पानी बाहर निकालना तो ठीक हो जाएगा। मैंने खुद बाहर से जाके ईंट तोड़ी है, मुझे पता है। अभी मतलब गहराई पड़ी है, लेकिन इधर पड़ी है क्योंकि ये देखें, ये बजरी की रोड़ियां पड़ी, नीचे रोड़ियां पड़ी हैं ना बजरी की, इस वजह से लग रहा है कि इधर से मतलब पानी नहीं निकलेगा। ऊंचा नजर आ रहा है, तक ये रोड़ियां निकालनी है हमने, तो फिर ये ना आराम सुकून से पानी गुजरता रहेगा यहाँ से। ये हमने लगाना है पाइप, इतना बड़ा पाइप है, हमें खतरा है बाहर से कोई बच्चा निकाल के ले ना उड़े। इसको आधा काट के लगाना है, बड़ा क्यों लगाना, बड़ा क्यों लगाना, ऐसे बात की है ऐसे। आज के इस व्लॉग को हम यही पे करते हैं एंड। अब परिंदे भी अपने अपने घरों में जा रहे हैं, तो हमने भी अपने अपने घरों में जाना है। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।